सरदार शहर उपखंड क्षेत्र और तारानगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोघिरा में आपका विधायक आपके द्वार अभियान के तहत विधायक नरेंद्र बुडानिया ने गांव में चौपाल लगाई, जहां ग्रामीणों के बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोटे से 13 लाख रुपए की लागत से हॉल में बरामदा सरपंच जयसाराम मेघवाल की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि शिषपाल, मदन लाल पांडे, सरपंच अजीज खान, नवाब खान, नंदलाल सांगी ने फीता काट कर शुभारम्भ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बुडानिया ने कहा कि आज केवल चूरू जिले में मेरे क्षेत्र में नहरों का काम हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके लिए सरकार से पुरजोर पैरवी की। हमने किसानों को फायदा दिलाने के लिए नहर का काम करवाया। विधायक बुडानिया ने भाजपा के कार्यकाल में चूरू विधायक और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर कहा कि हमारे चूरू विधायक 7 बार जीत चुके हैं और 15 साल मंत्री पद पर रही है, लेकिन चूरू में विकास कार्य नहीं हुए। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आप सही से चल तक नहीं पाते। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान बोल रहे थे कि बुडानिया वोट लेगा, आएगा नहीं, अब यह सब बोलने वालों की बोल से बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में 2005 में भाजपा के राज में नहर का रकबा काट दिया गया, जब राठौड़ तारानगर से चुनाव लड़े थे। इस दौरान नहर का झूठा सर्वे करवाते हुए नहर लाने का सपना दिखाया और जीतने के बाद उन्होंने नहर का मुद्दा तक नहीं उठाया। यहाँ पर बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विकास कार्य बहुत ज्यादा हुए है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि शिषपाल सहारण, प्रधानाचार्य आसाराम पांडर, राकेश सहारण, गिरधारीलाल स्वामी, पूर्व सरपंच धनपत दैया, सरपंच शिषपाल सिहाग, चुनीलाल तेतवाल, दुलाराम सहारण, प्रकाश मेघवाल, नंदलाल सहारण, दयाराम सहारण, राकेश सहारण, अशोक स्वामी, गोपीराम बरोड़, मंगलाराम कसवा, लक्ष्मण सिंह राठौड़, कुंभाराम नायक, महावीर दास पुजारी, डालचंद सिंह और लूणाराम तेतवार, गिरधारीलाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुखराम ने किया। धन्यवाद के पात्र है। माननीय विधायक साहब ने क्षेत्र में जो लंबित जो आज से 20-30 साल पहले जो नहरियां आ जानी चाहिए थी, इस नहर को लाके क्षेत्र में कायापलट करने का जो अभूतपूर्व कार्य किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद के पात्र हूँ। और इसी कड़ी में क्योंकि ये क्षेत्र कृषि प्रधान एवं पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में आज से 20-30 साल पहले कृषि महाविद्यालय खुल जाना चाहिए था, तो नहीं खुल पाया, कोई न कहीं कमी रही। और माननीय विधायक साहब के प्रयास से तारानगर क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खुला है, ये भी अपने लिए सबके लिए गौरव की बात है। माननीय विधायक साहब से आग्रह करूंगा कि आपने क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खुलाया है और इसकी फीडिंग चैन इन्हीं स्कूलों से होकर जाने वाली है, क्योंकि इस विद्यालय में कला संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय भी है और आपके सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम भी है कि अधिकाधिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोला जाए। अगर इस स्कूल में कृषि संकाय खुलता है तो क्षेत्र के छात्रों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो मंच के माध्यम से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं आग्रह करता हूं कि आज जो नहर का मुंह है 40 साल के बाद में इस महापुरुष ने खोला है, जो कोई धारता नहीं था, विचार नहीं करते थे लोग कि नहर कभी आएगी और अपनी तरफ मुड़ेगी। आज जोड़ के विनती करता हूँ कि विकास के नाम पे अपने को वोट दें तो हमारे नरेंद्र जी बुडानिया साहब को वोट दें, जिन्होंने विकास के नाम पे कोई कमी नहीं छोड़ी। जो लोग कहते हैं कि नहर का काम शुरू हुआ है, शुरू नहीं आगे चलेगा, और मैं आपको इस बात की जमानत देता हूं कि अगर आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अपन नरेंद्र जी बुडानिया साहब को विधायक बना के विधानसभा में पहुंचाते हैं तो अपनी भी भूमि पंजाब, हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसी फसल यहाँ उपज होगी, इस बात की मैं आपको जमानत देता हूँ। अभी जो रोड का जिक्र किया है, इस रोड की सेक्शन पहले 21 किलोमीटर सेक्शन थी, हमने विधायक जी से बात की कि आपने 21 किलोमीटर सेक्शन को करवा दिया है, 24 किलोमीटर सेक्शन बाकी है। एक बार कहने पर भी इन्होंने तुरंत प्रभाव से विधानसभा के अंदर जाके 24 किलोमीटर के लिए 24 करोड़ रुपए और मंजूर करवा दिए तुरंत प्रभाव से। इसके बाद में आप MLA बनकर आए, मैंने थोड़ा सा अभ्यर्थन किया और जो
पूर्वी और दक्षिण साइड में जो एक 16x20 का जो कमरा बना हुआ है वो इनकी देन है, और इसके द्वारा एक मैडी की बाउंड्री भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जो मैं बता रहा हूँ ये इनके कोटे का पैसे हैं, इन्होंने अपने व्यक्तिगत कोटे से पैसे से बनाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यह कोई पहला विद्यालय है जिसमें कोई व्याख्याता या सेकेंड ग्रेड का या प्रिंसिपल का कोई पद रिक्त है एक PTI को छोड़कर, तो वो कांग्रेस की देन है, किसी और की नहीं है। और जितने भी कार्य हम देख रहे हैं वो सारे कांग्रेस के क्यों हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे कान है वो कच्चे हैं। दूसरी बात सच्ची यही है, 36 कौम में एक दो सबके कानों में भरने वाले हैं, उनसे दूर रहकर विकास का काम देखकर यदि ये तारानगर विधानसभा क्षेत्र में 9 पंचायत आपकी हैं, 33 हमारी हैं और राजगढ़ की हैं, विकास का नाम देखेगा तो इस 4.5 साल की योजना में जो विकास किया है वो नरेंद्र गुड़ानिया ने किया है, इससे ज्यादा बढ़कर 200 विधानसभा क्षेत्रों में भी नहीं हुआ है। काफी लंबे समय से प्रोग्राम हो रहे हैं, विधायक जी के द्वारा 4.25 साल में करवाए गए कार्यों को हम बताते रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बुढ़ानिया जी ने 4.25 साल में किस प्रकार से कार्य करवाए हैं, और 42 साल का जो राजनीतिक अनुभव था उसका पूरा का पूरा फायदा इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, आप लोगों को दिया है। जो आजादी से पूर्व एक देश को आजाद कराने में इनकी पूर्वजों की भूमिका थी, जो किसान के घर में जन्म लेकर किसान के दर्द समझने की इनमें क्षमता थी, उस चीज को सोचा और सिर्फ वर्तमान में फायदे के ही नहीं सोचे, साथ में आने वाली पीढ़ी इस क्षेत्र की, आपके बच्चों की, युवाओं को किस प्रकार से रोजगार देने का लिए सक्षम बनाया जाए, इस टाइप से नहर के बारे में सोचा, उसके बाद में जब धन कर जेल में आता है तो शिक्षा किस प्रकार से दी जाए इसके बारे में सोचा, गरीब वृद्ध व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर न जाना पड़े, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया, इन सभी का फायदा लेने के लिए यातायात व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ हो, सड़कों का निर्माण करवाया, ऐसी ऐसी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जैसा धनपत जी ने बताया कि MDR ये जो जिला लेवल की रोड है, जो 23 फुट चौड़ी रोड बन रही है, सरदार से सावा तक डायरेक्ट इनका आपका संपर्क होगा, जिससे आपको अपनी पैदावार बेचने के लिए हर एक मंडी में जाने में सुविधा होकर ज्यादा से ज्यादा उसके उपज का फायदा ले सकोगे। तो ये सभी चीजें बताने का अर्थ ये हुआ कि आप ये समझे कि जो षड्यंत्र कुछ पदों का लालच देकर भ्रमित कर हमारे बीच से इन्हें भेजा गया था, आने वाले 7 महीने के बाद में हमें जातियों में बांटकर, हमें छोटे छोटे ग्रुपों में बांटकर गुमराह कोई और षड्यंत्रकारी न कर दे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और आज से मिलने पर आप ऐसा लग रहा है कि आप उससे भी ज्यादा ताकत इनको प्रदान करने जा रहे हैं। इसी गांव की स्थिति क्या थी और आज क्या आप करने जा रहे हैं, ये सभी चीजें आप सोचें, पूरे क्षेत्र में सोचें, आपके हर खेत में पानी कैसे लगे, इसके बजट की व्यवस्था कौन कर सकेगा, इन सभी चीजों को सोचोगे तो आने वाली पीढ़ी को आप पूरी तरह से सुदृढ़ बना के जाओगे, ताकि वो पीढ़ी कहीं पर भी 5-5 हजार रुपए की नौकरी के लिए न कर सके, वो इतने इस प्रकार से सक्षम हो कि वो प्रत्येक व्यक्ति को गांव के प्रत्येक जो जिनको रोजगार चाहिए उन्हें रोजगार देने में सक्षम हो। इन्हीं शब्दों के साथ चारों तरफ सड़कों का जाल बिछने का काम चल रहा है, चारों तरफ। अब वो सड़कों पे काम चल रहा है तो आप जानते हो कि भी बड़ा ध्यान से इधर जो है भालेरी से सवा सड़क बन रही है बहुत जोर की,
और आपके जो है ये है आप वाली रोड इतनी शानदार बन रही है, तो ये जो सड़कों का जाल बिछड़ा है तो थोड़ी आने जाने में मेरे को भी परेशानी हो सकती है, लोगों को भी हो सकती है, लेकिन 3 महीने बाद में ये संपूर्ण काम संपन्न हो जाएंगे। तो हमको जो है बहुत आसानी रहेगी। देखिए बिना विकास के हम हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य नहीं सुधार सकते। विकास में रुचि नहीं रखता है, वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लड़ाई लड़ने वाला लड़ाकू, यानी 2 लोगों को लड़ा करके 1 को अपने साथ करना, और दूसरा होता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, काम से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं। तो मैं कई बार सोचता हूं ये बात, मैं कई बार सोचता हूं कि लोग 7-7 बार 8-8 बार एमएलए एमपी बन जाते हैं और इतिहास देखते हैं तो उनका सोच विकास के प्रति है ही नहीं, तो 7-7 बार 8-8 बार कैसे बन जाते हैं। और हम लोग जो है दिन रात मेहनत करते हैं विकास के लिए, तो चुनाव आते हैं तो पसीने आ जाते हैं। तो मैंने एक दिन नेता से पूछा, हमारे चुरू के एमएलए, मैं कहा 7 बार आप एमएलए बन गए और 7 बार में 15 साल आप मंत्री रह लिए और चुरू की सड़कों पर निकला ही नहीं जाता, बोलो जिस दिन निकलने लग जाएगी उस दिन मैं एमएलए नहीं बनूंगा। अब बोलो, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि बीजेपी के राज में मैं वसुंधरा राजे और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ वे मंत्री आ गया, और एक फैसलो हो गढ़साड़ा में 2005 में बिम आपनिया रकबा काट दिया, रकबा काट दिया। अब राजेंद्र सिंह जी जो है चुनाव लड़ना आ गया तारानगर, राजगढ़ तारानगर, और तारानगर आया तो मांग करी का नहर, बट देखे बड़े नहर के ना जिसते कौन सा झूठ मूठ को एक षड्यंत्र बनायो और अखबारा में निकाल के एक झूठो सर्वे करा दिया, नहर आ रही है नहर आ रही है नहर आ रही है नहर आ रही है, डंडिया मंडिया रुपा दी। और चुनाव हो गया वोट हो गया फिर टाइम टाइम फिर, क्योंकि काम काम ही कोई उठे वो तो कागजा में हो वो तो अखबारा में हो, काम में विश्वास नहीं रख के दूसरे कमाओ वोट लेना चला। लेकिन नरेंद्र बुड़ानी अब विश्व आदमी नहीं है। मैं जरूर हल्के फुल्के शब्द में कभी बात चली हो नहर की बात करी होगी, लेकिन नहर की झूठी डंडी मंडी मना के मैं वोट कौन मांगा था। आज वगैरह में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरे विधायक कोटे से एक हॉल का निर्माण करवाया था, आज उसका उद्घाटन कार्यक्रम था, उसके साथ साथ हमारे चौपाल कार्यक्रम चल रहा है मेरा, हर पंचायत में चौपाल कार्यक्रम कर रहा हूँ, लोगों की जितनी दरख्वास्तें आती हैं लोगों की जितनी मांग आती है उस मौके पे मैं उसको सुलटाने की कोशिश करता हूँ, उसको समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक अभियान है, उस अभियान के तहत मैं आज यहाँ वगैरह में हूँ, और वगैरह के लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जो 20,000 हेक्टेयर ज़मीन पहले स्वीकृत की और अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के और सरदार सर के 18 गांव और बाकी गांव सरदार सर के जो है अभी बजट में घोषणा हुई है उसके लिए हम सब ने मिलकर के उनको धन्यवाद दिया है, और हम सब लोग इस कोशिश में हैं कि आने वाला जो समय होगा
आने वाले 10-20 साल होंगे वो किसान और किसान के बेटे के लिए होंगे, गांव के गरीब और गरीब के बेटे के लिए होंगे, गांव के लोगों के चेहरे खिले रहे, उनके अनाज की उनकी पैदावार की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर दृढ़ संकल्पित हैं और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सब चर्चाएं आज का निर्माण हरियासा से लेकर के हमारा अमरासर वहाँ नहर तक काम चल रहा है, शहर तक तेजी से चल रहा है और अभी मुझे आज SC को मैंने बुलाया था, उसने बताया कि आज जो 1-2 दिन के अंदर डमरीकरण का काम शुरू हो जाएगा। आज माननीय विधायक मोदी तारानगर के द्वारा विधायक कोटे से निर्मित हॉल का लोकार्पण समारोह है रखा गया था, जिसमें ग्राम पंचायत आसपास के क्षेत्र के लोग बाग आदि पुस्तक